हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज आपको अपने इस मिनी व्लॉग में अपने टाउन की सैर कराऊंगी। आप देख ही चुके हो अपना टाउन कैसा है। बहुत ही बारिश की वजह से गंदगी फैली हुई थी, मतलब इतना भी नहीं चलने के लायक थी जगह, थोड़ी बहुत इतना गंदा भी नहीं है। हमारा मिडिल क्लास फैमिली, इतनी ज़्यादा भी बुरा नहीं है। तो लोगों ने सोचा कि रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहाँ पे जाकर पिज़्ज़ा खा के सारी कज़न ने प्लान बनाया। यहाँ पे उनका रेस्टोरेंट सैलड हम लोगों ने फर्स्ट पर ट्राई किया, उनका स्टार्टर था। उसके बाद हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, विंग्स ऑर्डर किए थे इनके, जो कि ठीक थे, बस खाने लायक था। इधर हम मतलब कि 10 में से इसके 7-8 मार्क्स दे सकते हैं आउट ऑफ। तब लोग पिज़्ज़ा खा रहे थे गाइस, और यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा खाते खाते एक ट्रेजेडी हो गई मेरे साथ कि मेरे पिज़्ज़ा जो है ना वो सारा, ये देखिए ऊपर इसके ऊपर फल रहे हैं सारे पूरा ग्लास भरा हुआ। इसकी वजह से बहुत मुझे बुरा फील हुआ कि हाय ये क्या हो गया, क्या हूँ, क्यों हो गया मेरे साथ, क्यों क्यों हो गया। और फिर बस हेड ऑफ की तरह से फिर ये पिज़्ज़ा हमारा, इसको हम लोगों ने दोबारा से गर्म करवाया, फेंका नहीं, क्योंकि हम चीज़ें वेस्ट नहीं करते, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं गाइस। तो ये देखिए कितना अच्छा इनका लोकेशन था, ये थोड़ी सी उन्होंने चेंजिंग की थी, ये भी बहुत अच्छी थी। हम लोग यहाँ पे आते ही रहते हैं, तो इनका आप लोग ये देख सकते हैं कितना अच्छा रेस्टोरेंट था, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। पिज़्ज़ा ठीक था, सब खाने में मसरूफ थे, इसलिए मैं वीडियो बना रही थी। इसलिए मुझे हमेशा मैं ऐसे करती हूँ, मैं वीडियो ज़्यादा बनाती हूँ और खाती कम हूँ। और भी बताएं कौन ऐसा बंदा है जो खाता ज़्यादा नहीं है, वीडियो ज़्यादा बनाता है, ठीक है। तो वापसी हम लोगों ने वापसी करने के 10 बज गए थे गाइस, 10 बज चुके थे। तो घर में से भी बहुत इंसर्टिंग का आउटडोर लुक था। रास्ते में आते हुए हम लोगों ने ये देखा कि वाटरमेलन वाला अभी भी वहाँ पे बैठा हुआ है अपने सेल करने के लिए, कोई आएगा उसको लेके चला जाएगा। तो मैंने तो खाया नहीं था, मुझे ये पसंद नहीं है, आप तो बताना कौन खाता है। फिर ये टिक्की वाला आया था एक, तो यहाँ से हमने नान टिक्की खाई थी, तो ये पिज़्ज़ा से बेटर। तो फिर हम लोगों ने थोड़ी सी ये खाई सबने। आइसक्रीम का भी सोचा था कि लेंगे गाइस, बट वहाँ पे गए थे लेकिन उन्होंने शॉप बंद थी, ये देखा पड़ी हुई थी सारी बात। तो फिर हम लोग ऐसे ही आ गए वापस। उसके बाद घर आए, घर पे मैंने दरवाज़ा नॉक किया अच्छे वाला, तो फिर कहीं जाते दरवाज़ा ओपन हुआ, देखिए गाइस 10:11 वाले थे। मेरी मम्मा ने और ओपन किया था डोर, तो उनके लिए भी मैं पिज़्ज़ा लेके थी। और मेरी मम्मा अपने डिश स्टाइल में पिज़्ज़ा खाती है, ठीक है। और भी बताना मुझे कि आप कैसे खाते हैं पिज़्ज़ा। मेरी मम्मा तो ऐसे खाती है, हैंड पर रखे उसके बाइट बना बना के खाती है, ठीक है। तो फिर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा गाइस, ताकि मैं अपने चैनल को और ग्रो कर सकूँ और आपके लिए अच्छी अच्छी से ऐसी वीडियोस बना के लेके आ सकूँ। ओके बाय, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, बाय बाय, गुड नाइट।